पर्ल में फंक्शंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। पर्ल फंक्शंस, आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शंस, रिटर्न वैल्यूज के साथ फंक्शन। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5.14.2 और gedit टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स, कमेंट्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कृपया संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। हम पहले कुछ साधारण पर्ल फंक्शंस देखेंगे। पर्ल में फंक्शन को सब रूटीन्स भी कहा जाता है, जो सब कीवर्ड के साथ घोषित किए जाते हैं। घोषित फंक्शन की परिभाषा कर्ली ब्रेसेस के मध्य लिखी जाती है। यह फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है और यह कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ध्यान दें, फंक्शन की परिभाषा को स्क्रिप्ट में कहीं भी या अन्य मॉड्यूल में लिखा जा सकता है। यह मॉड्यूल बाद में इस फंक्शन का उपयोग करके इस स्क्रिप्ट में सम्मिलित किया जाता है। स्क्रिप्ट में मॉड्यूल फाइल को सम्मिलित करने के लिए निम्न सिंटैक्स का उपयोग करना पड़ता है। Use module file name सेमीकोलन। सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके इसे समझते हैं। अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल को ओपन करें और इसे simplefunction.pl नाम दें। यह मेरी simplefunction.pl फाइल gedit में है। स्क्रीन पर दिखाए गए कोड को टाइप करें। यहाँ हम केवल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसे हमने परिभाषित किया है। फिर निष्पादन कंट्रोल उस फंक्शन में पास हो जाता है। यह फंक्शन का डिक्लेरेशन और परिभाषा है। यह फंक्शन दिए गए टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। अपनी फाइल को सेव करें। फिर टर्मिनल पर जाएं और पर्ल simplefunction.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा। अब आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन देखते हैं। एक सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके इस फंक्शन को समझते हैं। अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल खोलें और इसे functionwithargs.pl नाम दें। यह मेरी फंक्शन विथ आर्ग्स स्क्रिप्ट gedit में है। कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हम आर्ग्यूमेंट्स 10 और 20 के साथ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स $var1 और $var2 में मिलते हैं। @_ एक विशेष पर्ल वेरिएबल है। हम इसे पूर्ण रूप से आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। यह फंक्शन दो वेरिएबल्स का जोड़ करता है और उत्तर प्रिंट करता है। अपनी फाइल सेव करें। @_ एक विशेष पर्ल एरे है। इस एरे का उपयोग पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स को संचित करने के लिए किया जाता है। इसी तरह हम वेरिएबल में पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स को पा सकते हैं, जैसे $var1 स्पेस इज इक्वल टू स्पेस शिफ्ट @_ सेमीकोलन, $var2 स्पेस इज इक्वल टू स्पेस शिफ्ट @_ सेमीकोलन। शिफ्ट @_ एरे से पहली पोजीशन पर एलिमेंट हटाता है और इसे वेरिएबल में निर्दिष्ट करता है। दूसरा तरीका है $var1 स्पेस इक्वल टू स्पेस $_ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 0 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन, $var2 स्पेस इज इक्वल टू स्पेस $_ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। उपयुक्त वर्णित तरीका इंडेक्स का उपयोग करके @_ एरे के एलिमेंट्स को फेच करने के समान है। अब टर्मिनल पर जाएं
और perl function with args dot pl टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। अब वह फंक्शंस देखते हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसे एक सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं। gedit में funcwithsinglertrnval.pl स्क्रिप्ट पर जाएं। अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल खोलें और कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा दिखाया गया है। यहां हम पैरामीटर्स 10 और 20 के साथ add variables फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू $addition वेरिएबल में मिलती है। यह फंक्शन पास किए गए पैरामीटर्स का जोड़ करता है और उत्तर दर्शाता है। फाइल सेव करें, स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। अतः टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें perl funcwithsinglertrnval.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होता है। अब वह फंक्शन देखते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है। इसे एक सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं। gedit में मैंने फाइल खोली है और इसे funcwithmultiplertrnvals.pl नाम दिया है। कृपया अपने टेक्स्ट एडिटर में इसी तरह करें। अब कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा दिखाया गया है। यहां हम पैरामीटर्स 10 और 20 के साथ add variables फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन की रिटर्न वैल्यूज $var1, $var2 और $addition वेरिएबल में मिलती हैं। यह फंक्शन जोड़ करता है और पास किए गए पैरामीटर्स रिटर्न करता है और परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदर्शित करता है। यह वर्णन दर्शाता है कि फंक्शन से एरे रिटर्न कैसे करें। इसी तरह यह दर्शाता है कि हैश को फंक्शन से रिटर्न कैसे किया जा सकता है। अपनी फाइल सेव करें। अब perl funcwithmultiplertrnvals.pl टाइप करके टर्मिनल पर perl स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होता है। perl कुछ इनबिल्ट फंक्शंस प्रदान करता है। उनमें से कुछ हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखे हैं, जैसे एरेस, हैश, सॉर्ट, स्केलर, ईच, कीज आदि। इनबिल्ट फंक्शंस कॉल करना किसी अन्य फंक्शन को कॉल करने के समान है जिसे हमने परिभाषित किया, अर्थात सॉर्ट ओपन ब्रैकेट @ArrayName क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। हमारे द्वारा उपयोगित सैंपल प्रोग्राम्स में कुछ इनबिल्ट फंक्शन सम्मिलित करने का अभ्यास करें और उनके आउटपुट्स का निरीक्षण करें। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैंपल प्रोग्राम्स का उपयोग करके perl में फंक्शंस, आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शंस और फंक्शंस जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं। यहां आपके लिए नियत कार्य है। एक फंक्शन लिखें जो 3 आर्गुमेंट्स लेता है। इन आर्गुमेंट्स पर कुछ कार्य करें। आर्गुमेंट्स पर क्रियान्वित कार्य का परिणाम रिटर्न करें और उसे प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम
स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/NMEICT-intro। आशा करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।